जय श्री कृष्ण। अध्याय एक श्लोक 29। विपथुश्च शरीरे मो रोमहर्षश्च जात जायते गांडीवं स्रसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते। मोर समस्त शरीर थरी उठुची एवं रोम टांकुरी उठुची। मोर गांडीव धनु हाथरु खसी जाउअछि एवं मोर चर्म दग्धीभूत होइ जाउअछि। भावार्थ, दुई प्रकार शरीर कंपन अछि एवं एक दुई प्रकार रोमांच मध्य अछि। महान दिव्य भाव आध्यात्मिक भाव जात हेले एपरी लक्षण देखा जाए, किंबा भौतिक स्थिति रे अत्यधिक भय जात हेले एपरी हुए। दिव्यानुभूति लाभ समय रे भयर प्रश्न नाही। एठारे अर्जुनंकर ए जेऊ सब लक्षण प्रकाश पाउछि से सब भौतिक भय जोगु, अर्थात जीवन चली जीव एई भय जोगु एपरी लक्षण मान प्रकाश पाउथिला। एहा मध्य अन्य सब लक्षण ठारु भिन्न। से एते अधर्ज्य होइ पड़िथिले जे तांकर प्रसिद्ध धनुगांडीव तांकर हाथरु खसि जाउथिला एवं तांकर हृदय पोड़ी जळि जाउथिला। सेइथि जोगु तांकर चर्म निहारे पोड़ी जिबा भळि से अनुभव करुथिले। भौतिक धारणा किंबा भौतिक धारारे जीवन जापन करुथिबा जोगु एपरि हेउथिला। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।